आज की उम्र में अगर मैं 21 साल का लड़का होता तो मैं इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ढूंढता, चाहे वो स्टार्टअप ज्वाइन करने की, चाहे वो कोई किसी और कंपनी में, चाहे खुद की कंपनी शुरू करने की। जिस मार्केट में आप रहोगे वहां आपकी इंसाइट्स मिलेगी। तो यूनिकली इंडियन प्रॉब्लम्स पे मेरे हिसाब से काम करनी चाहिए, बिकॉज इसकी इंसाइट आपको यही मिलेगी और आपसे बेटर किसी को नहीं मिलेगी। और आपसे बेटर किसी को नहीं मिलेगी। कुछ चीजों में समय लगता है, और सिलिकन वैली जहाँ पे हम लोग गए थे, सिलिकन वैली को सिलिकन वैली बनने में 40-45 साल लगे। इंडिया की तो बहुत लंबी खेल है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के एक नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है अमित सोमानी, जो कि पार्टनर है प्राइम वेंचर्स के। तो इनको काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, प्लस इन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया है। तो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक वीसी इन्वेस्ट करता है वो क्या क्या चीज़ें देखता है, कैसे आप अपने आइडिया को फाइनलाइज कर सकते हो, कैसे स्केल कर सकते हो, क्या गलतियाँ यूजुअली फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम अमित। थैंक यू अर्नब, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ऑफकोर्स आपके व्यूअर्स के लिए जो भी आप डिस्कशन करना चाहेंगे, लुक फॉरवर्ड टू इट। ऑफकोर्स, क्योंकि आपने यूएस पे भी काफ़ी साल काम किया है, अभी काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स ऐसा सोचते हैं कि जो यूएस में टेस्टेड है, मतलब कोई आइडिया चल रहा है उसको इंडिया में ले आते हैं, या कोई अगर मान लो सीरीज बी सीरीज सी तक पहुंच गया है, मार्केट वहाँ टेस्ट हो गया, वो इंडिया में ले आते हैं। तो ऑफकोर्स आपने यूएस में भी काम किया, इंडिया में भी काम किया है, क्या दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, क्या आप देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस है? एक्चुअली ये सबसे बड़ी मिथ या सबसे बड़ी भूल है कि आप यूएस के आइडिया इंडिया में कॉपी करें, या पहले हो रहा था 4-5 साल पहले चाइना के आइडिया इंडिया में कॉपी करें। इंडिया बहुत माने में बहुत यूनिक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंडिया ओपन मार्केट है, तो यू नो इंडिया का गूगल गूगल ही है, इंडिया का इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ही है, राइट? ओपन मार्केट है, हमने चाइनीज वॉल अनइंटेंडेड नहीं बनाई है यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उन्हें ये सोचना चाहिए यार वहां पे क्या चला नहीं चला। वो एक किसी अंग्रेजी में कहावत है ना कि हिस्ट्री यू नो राइम्स डज नॉट रिपीट, राइट? तो आप इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन आपको जो जितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर है, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स की हो, चाहे वो मिडिल एज वुमेन की हो, हाउसवाइफ्स की हो, एंटरटेनमेंट की हो, वो यूनिक यहीं पर होगी। अंताक्षरी का गेम अमेरिका में किसी को समझ में नहीं आएगा, और वहां पे जो कुछ खेल रहे हैं वो शायद यहाँ हिंदुस्तान में किसी को समझ में नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग अलग है, बिल्कुल, हम लोग तो लोग है, ह्यूमन बींग तो ह्यूमन बींग है, मतलब खाना पीना रहना फैमिली यू नो वो सब तो सभी को चाहिए। तो यूनिकली इंडियन प्रॉब्लम्स पे मेरे हिसाब से काम करनी चाहिए, बिकॉज इसकी इनसाइट आपको यही मिलेगी और आपसे बेटर किसी को नहीं मिलेगी। और आपसे बेटर किसी को नहीं मिलेगी, राइट? जो आदमी वहाँ माउंटेन व्यू या पालो अल्टो या मेनलो पार्क या सियाटल में बैठा है, उसको यहाँ के कितना भी कर लो आपको उनको आइडिया नहीं लगेगा कि जो रियलिटी है यहाँ पे वो क्या है। साइड लोडिंग क्यों कर रहे थे लोग फोन में 4-5 साल पहले, वो समझ ही नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। मिस्ड कॉल क्यों देते हैं अभी तक भी कुछ अमेरिकन लोग होते हैं, जब हम मिस्ड कॉल देते हैं ड्राइवर को तो उनको लगता है ये क्या अजीब है, कॉल कर रहे हैं तो कॉल कर लो, ये मिस्ड कॉल का क्या मतलब। राइट राइट राइट। तो आई थिंक यूनिक इंडियन इनसाइट्स, यूनिक इंडियन प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, सो दैट इज वन। बट मोर स्पेसिफिकली कॉमन क्या है क्या नहीं है, आई थिंक इंजीनियरिंग टैलेंट बहुत कॉमन है। आई थिंक अब हमारी प्रोडक्ट बनाने की क्षमता बहुत बढ़ गई है, जब 15 साल पहले से अभी अगर मैं देखूँ तो प्रोडक्ट मैनेजर्स पूरी दुनिया की अच्छी अच्छी कंपनी वाले इंडिया के ही बैठे हुए हैं। आप एटलेशियन ले लो, आप कैनवा ले लो, आप ग्रामरली ले लो, वो इंडिया के ही पले बड़े हैं सब, और यहीं से मतलब ग्लोबल कंपनी। ऑफकोर्स सीईओज की तो आपने सुंदर पिचाई, कोई लिमिट नहीं है। तो आई थिंक टैलेंट, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट टैलेंट, ये सब काफी कॉमन है। बट आई थिंक आइडिया, मेरी तो ये रिकमेंडेशन रहेगी कि भारत में आइडिया आप यूनिकली यहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए, उसी में आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा शायद। एंड अगेन आपने बोला कि वहाँ पे तो ऐसा, वहाँ पे चलो कुछ अलग होता है, बट अभी आप जैसे कि प्राइम वेंचर्स बहुत डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, तो अगले मे बी 4-5 ईयर्स में आप क्या देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाते हैं? एक्चुअली सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, अगर आप इंडिया फर्स्ट देखेंगे, हम लोगों का फोकस है फिनटेक में काफ़ी, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिनटेक एक एवरग्रीन सेक्टर है, हम लोग 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें, नियो है, मनी टैप है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं उसमें, वो कंटिन्यू रहेगा मेरे ख्याल से, बिकॉज इंडिया अभी भी काफ़ी मतलब बैंक बोलने के लिए बैंक है, बट उन लोगों को क्या सर्विसेज मिल रही है वो सब काफ़ी लिमिटेड है, तो एक तो वो रहेगा। एक है ग्लोबल SaaS, ये थोड़ा उल्टा जाएगा मेरे प्रीवियस पॉइंट की, कि इंडिया में बैठ के एंटरप्रेन्योर्स दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, राइट? तो वो एक नया ट्रेंड है, जो भी नया भी तो नहीं कहूंगा, काफी सालों से है, बट वो मेरे ख्याल से अगले 10-15 साल तक काफी सूक्ष्म रहेगा। जो नए ब्रांड न्यू एरियाज है, आई थिंक गेमिंग, एंटरटेनमेंट, कॉन्टेंट, जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल, इस तरह के कॉन्टेंट क्रिएटर्स, मतलब दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एरियाज। बिजनेस साइड में B2B मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ट्रेंड रहेगा, हम काफी B2B में स्टार्टअप्स खोज रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे हैं B2B में। अभी तक
मेरे ख्याल से पिछले 7-8 साल की जर्नी बी टू सी की रही है, यानी कंज्यूमर की रही है, राइट? कि आप फ्लिपकार्ट में ले लो, अमेजोन में ले लो, या ड्रीम इलेवन में गेम खेल लो, या शेयर चैट में कुछ गप्पे गोष्ठी कर लो। अब बिजनेसेस सब पूरे मतलब यू नो इस तरीके से आ गए हैं। तो बी टू बी एक अच्छा एरिया है, एग्रीटेक एक बहुत जबरदस्त एरिया है, जहां पर कि अभी पूरी इंडिया की इकोनॉमी अभी भी 50% एग्रीटेक पे डिपेंडेंट है, लेकिन टेक पार्ट ऑफ एग्रीटेक ऑलमोस्ट नॉन-एक्जिस्टेंट है, है नहीं। और वो इकोनॉमी भी है और वहां पर स्कोप भी है। तो आई थिंक आइडियाज की कोई कमी, एंड मतलब एक अगर मैं कैच ऑल फ्रेज लू तो जनरली डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग बिना कुछ हुए सीधा डिजिटल इकोनॉमी में पैदा हुए हैं। तो जो बच्चा 2014 में पैदा हुआ है उसको प्री इंटरनेट का पता ही नहीं है कि क्या होता है, सब कुछ इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट पे देख लो, वाईफाई पासवर्ड दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो अब जो नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे यहाँ पे डिजिटल इंडिया के बारे में, राइट, वो अभी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी आज से 10 साल बाद कुछ यूनिकॉर्न होगा जो हम अभी शायद पैदा भी नहीं हुआ है या इस साल पैदा हुआ है। Correct. जो हम आप और हम शायद सोच भी नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे स्टार्टअप्स तो आ रहे हैं, बट होता क्या है ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि यार स्टार्टअप तभी चलेगा जब मुझे फंडिंग मिलेगी। मतलब वो लगता है कि फंड और प्लस फंडिंग सेक्सी भी है, ऐसा हर जगह न्यूज़ में आता है, तो एवरीवन नोज की क्या वैल्यूएशन हुई वो सब। बट आपको क्या लगता है कि यार किन टाइप के स्टार्टअप्स को फंडिंग सीख करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और किस स्टेज में? तो फंडिंग के भी ना अर्नब 3-4 तरह के वो सोर्सेज हैं। एक तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गए कि यार अर्नब मेरा दोस्त है, अमीर है, इससे चलो 5-10 लाख लेते हैं, ऐसे 10 लोगों से लेते हैं, कुछ शुरू करते हैं, सीड कैपिटल, प्री सीड कैपिटल, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंजल सिंडिकेट्स। फिर होता है इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, जैसे कि प्राइम वेंचर्स करके फर्म है। तो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल आप तभी सीख करें जब आपको पता है कि ये आइडिया में काफी दम है और पोटेंशियल है फॉर इट टू बी अ वेरी लार्ज कंपनी। वेंचर कैपिटलिस्ट कभी भी नोशनली कोई छोटी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। इसका कारण है, मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो वो कोई रेस्टोरेंट या कोई छोटा सा ऑटोमेशन है उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वेंचर कैपिटल का मॉडल ही ये है कि उनको डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न चाहिए, लेकिन उसके लिए वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्क लेने को भी तैयार है। बतेरी इन्वेस्टमेंट्स होती है वेंचर कैपिटल में जो शून्य पे चली जाती है, और उसमें हमें कोई कष्ट नहीं होता है। वरना आप कोई स्टॉक खरीदेंगे चाहे वो रिलायंस का हो, HDFC बैंक का हो, L&T का हो, अगर जीरो चले जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, या काफी गिर जाएगा तो कि भाई ये 10% भी गिरेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये क्या हुआ, गलत समय पे घुसे। वेंचर कैपिटल में ये नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एकदम रियल प्रॉब्लम्स हैं, बड़े मार्केट में है और आपका रियल पैशन है उसके बारे में, आई नो उसको थोड़ा क्लीशे मानते हैं या कि यार ये तो हरी को ही कहता है कि यार जिसमें पैशन हो वो करो वो करो, बट ये मतलब इतना सच है। अब हम लोग 10 साल से वेंचर कैपिटल में है, कम से कम नहीं तो भी 5-7 हज़ार कंपनी से मैं पर्सनली मिला हूँ, ओके, और हमने 40 में इन्वेस्ट किया है। तो जो आपका जिसमें आपका डोमेन नॉलेज है, जिसमें आपका पैशन है, जो ऐसी कोई कठिनाई है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, चाहे फंडिंग मिले या ना मिले, चाहे कंपनी चले या ना चले, वही प्रॉब्लम्स पे मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए, रादर देन द कि भाई फैशनेबल है, मेरे दोस्त ने पैसा उठा लिया, मैं भी उठा लेता हूँ, मैं भी IIT में पढ़ा हूँ या जो भी है। तो बिग मार्केट जहाँ पे आपकी कोई यूनिक इंसाइट है, आपकी कोई इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, जहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट काफी मोटिवेटेड है। हमारे जैसे लोग रोज हमारा काम ही है नई स्टार्टअप्स, अच्छी स्टार्टअप्स को ढूंढना। बट ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योरशिप काफी ग्रो हो गया है और थोड़ा फैशनेबल भी हो गया है कि चलो अब तो नौकरी करेंगे नहीं, अपने बॉस बनेंगे, अपना ही करेंगे। हाँ। तो वो भी एक अच्छा मतलब ट्रेंड अच्छा ही है। लेकिन आई थिंक रादर देन कि आप कुछ भी रैंडम आइडिया शुरू करो इससे, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा आपके लिसनर्स और व्यूअर्स को कि इससे तो अच्छा है आप जाके किसी अच्छी स्टार्टअप में काम करो, अर्ली स्टेज स्टार्टअप में, बिकॉज आपको बहुत सीखने को मिलेगा कि यार मार्केट के बारे में कैसा सोचा जाए, फंड रेजिंग के बारे में कैसा सोचा जाए, हायरिंग के बारे में, लोगों को हायर करना है कंपनी में तो कैसा सोचा जाए। तो रादर देन जस्ट से कि नहीं भाई सिंग इज किंग और बस मैं तो आज शुरू कर रहा हूँ, आप जाके देखिए कि मतलब बनती कैसे अच्छी कंपनी, और फिर अपना कदम लीजिए कंपनी बनाने। बट आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है जो एक्चुअल में स्टार्टअप को मेबी मैसिव ग्रोथ की तरफ ले जाता है, या जो आप बोल रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाता है? तो सबसे बड़ी चीज मैं अर्ली स्टेज की बात करूंगा, नॉट लेट स्टेज ग्रोथ, वो जो लोग करते नहीं है, जो मैं आपके लिसनर्स और आपके व्यूअर्स को चाहूंगा कि गौर करें इसके ऊपर, वो ये है कि कस्टमर कौन है और उसकी क्या प्रॉब्लम है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो जिसे कहा जाता है कस्टमर डिस्कवरी। ओके।
ये लोग जाना नहीं करते हैं, मतलब डीपली नहीं जाते, डीपली नहीं जाते मतलब हाँ। आपको मतलब मैं तो अपनी टीम जो छोटी टीम है उनसे कहता हूँ कि जब आप मिले स्टार्टअप फाउंडर को पता होना चाहिए कि कस्टमर ने आज नाश्ते में क्या खाया, सोता कब है, जागता कब है, और कौन सी चार ऐप है उनके फोन पे, या कहाँ बैंक करता है, या उनको ये पता है कि वायर ट्रांसफर हो सकता है या RTGS और NEFT में क्या अंतर है। मतलब उस लेवल की जानकारी होनी चाहिए कस्टमर के, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के बारे में और उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इसका क्यों महत्व है, इसलिए महत्व है कि अगर आप फोकस करेंगे रियल कस्टमर प्रॉब्लम पे तो ऑटोमेटिकली आपको ट्रैक्शन मिलेगा, आपको आई थिंक पहले रियल इंसाइट्स मिलेंगे एंड देन उसके बेसिस पे बिंगो। सो प्राइम का नंबर वन फोकस जो हम लगाते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, इसकी फाउंडर की कितनी डीप इंसाइट्स है मार्केट के बारे में, कस्टमर के बारे में, अगर टेक्नोलॉजी फाउंडर है जो कि काफी होते हैं हमारे, तो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बारे में, अगर इंसाइट नहीं है तो अर्ली स्टेज पे और कुछ नहीं है ना, आपके पास रेवेन्यू है ना कस्टमर है, टीम भी छोटी मोटी दो चार लोगों की होगी, तो इंसाइट्स के बारे में दैट इज वन एरिया दैट आई वुड से कि आप लोगों को काफी फोकस करना चाहिए और उससे आपको इवेंचुअली ग्रोथ मिलेगी। सेकंड, अगर एक बार ये इस यू नो पुल के पार हो गए आप, जो सेकंड फेज है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। आपने प्रोडक्ट तो बहुत सही बना लिया कि ये कप है और बहुत सही कप है और इसमें सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब आपको ये इस कप के 1,000, 10,000, 50,000 कप बेचने रोज के, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, इसकी कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, चैनल से होगी, ऑनलाइन होगी, D2C होगी, डायरेक्ट होगी, कैसे होगी। ये दो महत्वपूर्ण मतलब इनपुट मैट्रिक्स जिसे कहा जा सकता है, जो कि भाई इसके बिना तो कुछ गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं। अगर ये है तो ऑफकोर्स फिर आपको कैपिटल भी चाहिए, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट से चाहिए या एंजल्स से चाहिए या जो भी और लोगों से चाहिए, आपको टीम चाहिए, बिकॉज आप अकेले तो बना नहीं पाओगे, कंपनी बनानी है, लंबा खेल है। बट दोज आर द टू दैट आई वुड से कि भाई रियल कस्टमर प्रॉब्लम, रियल डिस्ट्रीब्यूशन, सम यूनिट इकोनॉमिक्स कि भाई इसमें धंधा बनेगा कि नहीं। प्रोडक्ट तो बन जाएगा, शायद 2-5-10 लोग खरीद भी लेंगे, बिल्कुल। अगर मैं 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेचूंगा तो लाखों लोग खरीद लेंगे, लेकिन वो कभी यूनिट इकोनॉमिक्स कभी प्रॉफिटेबल कंपनी रियल कंपनी नहीं बनेगी। बिल्कुल, प्रोडक्ट बनाया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन किया, अर्ली ट्रैक्शन आया, अब अर्ली ट्रैक्शन में भी आप एड्स के थ्रू भी ला सकते हो। दूसरा है कि आपका एक्चुअल में प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट हुआ, तो अब ये प्रोडक्ट मार्केट फिट होता क्या है एंड एक्चुअल में पता कैसे चलता है कि रियल प्रोडक्ट मार्केट फिट हमने अचीव किया है, ना कि हमने फेसबुक गूगल में एड्स चला दिए तो वहाँ से यूजर्स आ गए और हमको लगने लगे कि सबसेट है। बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा है। तो मैं काफी अर्ली स्टेज फाउंडर्स जिनको हम फंडिंग दे देते हैं उसके बाद भी मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप गूगल फेसबुक वगैरह पे ज्यादा एड्स मत लगाइए, फिगर आउट कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैक्शन कहाँ से आएगा, कि जहां लोग डायरेक्टली आपको खोज के आ जा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट से आ रहे हैं, ऐप स्टोर से आ रहे हैं या रेफरल से आ रहे हैं कि भाई अर्नब ने यूज किया, अर्नब रेकमेंड किया कि यार ये माइक्रोफोन हम यूज करते हैं आप भी यूज करिए, बिल्कुल। तो अब वो रेफरल से आएगा तो देन मतलब वो है। तो वन इज ऑर्गेनिक ट्रैक्शन। प्रोडक्ट मार्केट फिट की डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब है, राइट, और अंग्रेजी में इसकी कहावत है जो मैं बताऊंगा कि यू विल नो व्हेन यू हैव प्रोडक्ट मार्केट फिट। अच्छा, कि कस्टमर्स विल नॉट लेट यू लीव द रूम, कि अगर आप किसी B2B कंपनी में हैं या सॉफ्टवेयर कंपनी में है जो बेच रहे हैं आप सॉफ्टवेयर, तो कस्टमर आपको जाने नहीं देगा कि भाई इसको बिठा के रखना, इसकी परचेस ऑर्डर की बात कर लो, प्राइसिंग कर लो, थोड़ा नेगोशिएट कर लो, जो भी है। या B2C में है तो आपका ऑर्गेनिक ट्रैक्शन 50% से ऊपर होगा या आपके रेफरल 10-20-25% होंगे कि जो जिसने यूज किया उसको इतना पसंद आया कि वो चार दोस्तों को या चार घर वालों को और बताएगा कि अरे आप ये नहीं कर रहे हो, अरे कैसे कर रहे हो आप, ये जरूर करो व्हाट्सएप या जरूर करो फलाना या जरूर करो ढिमकाना। तो वो दो तीन चीजें हैं। आई वुड नॉट से कि भाई गूगल फेसबुक पे ऐड करना कोई बुरी बात है। कस्टमर पुल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर नेट प्रमोटर स्कोर, इन चीजों से आपको थोड़ा एहसास हो जाएगा कि भाई हम पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट को या मार्केट से पुल आ रहा है। करेक्ट, वो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। तो मतलब इन अ ड्रीम वर्ल्ड जो 100% ट्रैफिक अगर आपका ऑर्गेनिक है और ग्रो भी कर रहे हो आप, चाहे 5-10% मंथ ऑन मंथ, देन डेफिनेटली यू हैव प्रोडक्ट मार्केट फिट। कम है ऐसी स्टार्टअप जहां होता है ये, तो इट्स ओके टू स्पेंड ऑन एड्स, बट जस्ट कॉन्स्टेंटली हैव टू सी कि भाई ये कस्टमर डिलाइट हो रहा है कि नहीं और ये पुश हो रहा है कि नहीं, मतलब कस्टमर की साइड से पुल हो रहा है कि नहीं। आपने जैसे ही बोला कि यार हजारों पिचेस आपको साल में आती है, उसमें से 30-40 में इन्वेस्ट करते हो, 30-40 में नहीं, 5 में इन्वेस्ट करते हो। ओके, टोटल 10 साल में हमने 45 में इन्वेस्ट, ओके, 5 साल में 5, 2000 देखते हैं, 5 में इन्वेस्ट करते हैं। हां, आपने ये तो बताया कि यार इन टाइप्स के स्टार्टअप्स में या फाउंडर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, बट आपको कुछ ऐसे भी आते होंगे जिसमें आप सही में इरिटेट हो जाते होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि अरे क्या बेच दिया, वक्त बर्बाद कर दिया। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जब आप एक VC को अप्रोच करते हो, एटलीस्ट ये चीजें तो ध्यान में रखो,
सो दैट ऐसा ना हो कि यार वीसी भी इरिटेट हो जाए आपसे। ये नहीं है कि वीसीज को सब पता है, बतेरी हमारी काफी स्ट्रॉन्ग एंटी पोर्टफोलियो कंपनीज है हमारी, जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। करेक्ट, बिकॉज अर्ली स्टेज में सही माने में आप जितना भी प्रिपेयर्ड माइंड हो आपका, जितनी भी आपकी स्किल हो, जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आप कुछ चीजें मिस करेंगे। हमने काफी मिस की है। तो आई वुड नॉट से अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो कि यार वीसी ने मना कर दिया इसका मतलब कुछ बहुत अनर्थ हो गया। ठीक है, मना कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो बेसिक चीजें जो हम कवर कर चुके हैं, बट जस्ट रिकैप करने के लिए कि भाई आप क्यों सही टीम है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उचित है, कौन सा कस्टमर है जिसके और कस्टमर का सेगमेंट है जिसके बारे में आप डीपली जानते हैं, कौन सी वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको डीपली विसरल नॉलेज है, एकदम इंटीमेट नॉलेज है, कौन सा बिजनेस मॉडल है कि भाई इसमें पैसा कितना खर्च होगा और कितना बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कितना खर्च होगा मार्केटिंग में या कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में और कितना बनेगा। तो जो बेसिक्स है ये नहीं होते, जो सबसे अनॉय करता है मुझे सबसे बड़ा, क्योंकि आपने वो सवाल पूछा, तो कई बार लोग इतनी सारी स्लाइड डेक बना के ले आते हैं, 50 स्लाइड हर तरह के, उसमें ग्राफिक है, ये है, मैं बोलता हूँ ये सब हटाओ स्लाइड्स, ये बताओ कस्टमर कौन है, बिल्कुल ये बताओ प्रॉब्लम क्या है। और मुझे मतलब बोलते हुए थोड़ा शर्म ही आ रही है कि 50% लोग वो सवाल का जवाब क्रिस्पली नहीं दे सकते, ऑफकोर्स बताएंगे कौन है, लेकिन एकदम क्लियरली आर्टिकुलेटेड नहीं है कि कौन है कस्टमर और कौन नहीं है। करेक्ट, क्या उनकी प्रोफाइल है क्या नहीं है, क्या उनका पेन पॉइंट है क्या नहीं है। आई थिंक उन्होंने उतना डीपली सोचा नहीं है, उतना डीपली सोचा नहीं है। तो वो ही कर लेंगे अगर आप जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट, तो आप 50% लोगों से तो आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल, एंड अगेन क्योंकि आप एंटरप्रेन्योरशिप काफी पॉपुलर भी हो गया, काफी लोग करना भी चाहते हैं, आप इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं, आपके हिसाब से क्या डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है जो लोग देखते नहीं है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। पॉजिटिव साइड तो सब देख रहे हैं, बट ये चीजें भी होती हैं, ये चीजें भी हो सकती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा जो अभी अभी और महत्वपूर्ण हो रहा है वो ये है कि मेंटल हेल्थ, यानी कि आपकी मतलब मानसिक स्थिति, बिकॉज सबको लगता है बड़ा रोमांटिक है, बड़ा यू नो ग्लैमरस है, लेकिन साल में 365 दिन में 360 दिन तो कठिन निकलते हैं। ओके, कभी कुछ छोड़ के चला गया, कभी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, कभी इन्वेस्टर बोल रहे हैं भाई अपडेट दो, कोई बोल रहा है फंड रेजिंग नहीं हो रही, बोल रहे हैं अगले 2 महीने के बाद तक वो खत्म हो रही है, पेरोल के पैसे नहीं है। तो बहुत कठिन और रिग्रेस जर्नी है, इसीलिए मैं कह रहा था अगर आपका पैशन नहीं हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपके साथ एक दो साथीगण नहीं हो तो सोच समझ के जाइए, मतलब इवन तो हमारा बिजनेस है टू फंड एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो मेंटल हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये भी एक तरह से मतलब डेस्टिनेशन नहीं है कि यार हम यूनिकॉर्न बन गए तो हो गया, यूनिकॉर्न बन गए आप आईपीओ ले जाके फाउंडर्स देख रहे हैं जिनको कितना कठिन परिश्रम हो रहा है कि वो स्टॉक गिर गया, हर दिन मीम बन रहा है, तो ये आपको लॉन्ग रेंज का देखना होगा। इसलिए मैं हर एंटरप्रेन्योर को बोलता हूँ, इनफैक्ट प्राइम वेंचर्स की हमारी जो एनुअल फाउंडर्स डे होती है, हर फाउंडर्स डे में पहला सेशन बिजनेस फाउंडर्स डे में इज फोकस्ड ऑन पर्सनल हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छा, तो हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि भाई आप कोच रख लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए, आप यू नो अपनी स्लीप पे, अपनी नींद पे फोकस करिए, आप कुछ हो सके तो 10-15-20 मिनट मेडिटेशन करिए। तो मेंटल हेल्थ इज आई थिंक द रियल डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ऑल द रोमांस एंड ऑल द एक्साइटमेंट, कि भाई आप अपना मन का संतुलन कैसे बना के रख सकते हैं। दैट वुड बी वन, एंड द अदर व्हिच आई वुड से व्हिच इज अ मिथ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेट रिच quick scheme. It is not a get rich quick scheme. Or yes. much better ways hai, agar there are better ways and much simpler ways, including possibly investing in the stock market. Bilkul. If you have some USP and some edge. Right? So entrepreneurship is really about making a dent in the universe, solving a real problem. And if you do it profitability, you're going to be wealthy beyond your wildest dream. मतलब आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा. लेकिन वहां तक पहुंचना काफी समय लगेगा। एंड अगेन जैसे कि आपने बोला कि वीसी एक लॉन्ग टर्म गेम है, अभी आप देखेंगे इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, मोस्टली यूनिकॉर्न 6-7 इयर्स में बनते हैं, ऑफ कोर्स कोई अर्ली में बन रहा है, बट अगर आप प्रॉफिटेबल देखेंगे हार्डली में भी 10-5% होंगे, तो ऐसा क्या वो कर रहे हैं, क्या वो और टाइम चाहिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए, या वीसी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे इसलिए वो प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे, क्योंकि एंड में तो पैसा तभी बनेगा ना जब प्रॉफिटेबल हो, या फिर यूनिकॉर्न हो गया तो किसने अक्वायर कर लिया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2022 और 2021 में दिन और रात का अंतर आ गया, 23 में बैठे हुए, तो आई थिंक कि
कुछ चीजों में देखो ये एक मार्केट प्लेस है एंटरप्रेन्योर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट की, तो सप्लाई डिमांड द बेसिक रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर भी लगता है. ओके. जब बहुत सारे लोग एक चीज खरीदना चाहेंगे, कोई नई मूवी निकली और सबको उसी दिन पहला शो देखना है, हाँ. तो ब्लैक में भी बिकेगी, कुछ ज्यादा होगा व्हाटएवर. जबकि आप बोल रहे मूवी तो मूवी है, कल देख लेना, दो दिन बाद देख लेना, हफ्ते भर बाद देख लेना, नहीं हमको वही देखना है, तो अब उसकी कुछ रीजनेबल इकोनॉमिक्स हो जाएगी. तो आई थिंक कुछ तो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बने जो शायद जल्दी बन गए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बुल रन था. वो बुल रन था, ऐसा नहीं कि उनकी कोई गलती है, बट मतलब इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया तो वो फोमो में वैल्यूएशन बढ़ गया, तो आपने बन लिया. लेकिन जो आपके अंडरलाइंग बिजनेस है, रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, यूनिट इकोनॉमिक्स है, तो हम कहते हैं कि उन लोगों को दे हैव टू ग्रो इनटू देयर वैल्यूएशन. वो आपकी वैल्यूएशन दो साल पहले या चार साल पहले की अब मिल गई आपको, करेक्ट, तो आपको उसमें ग्रो होना पड़ेगा, राइट. तो एक तो ये हो गया कि अब तो खैर प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, पैट, इन सब चीजों पे काफी फोकस आ गया है थैंक्स टू द 2022 मेल्टडाउन एंड 2023 में भी. तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं बनाना चाहती है. आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड सप्लाई, फोमो, इनिशियल फोकस, राइट, आई थिंक दैट इज द रीजन. आई डू थिंक इंडिया में प्रॉफिट पूल्स है, लेकिन समय लगेगा. सो आई डोंट थिंक कि जिस लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज में है या मारुति सुजुकी में है या कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक में है, उस वो समय में तो पहुंचते पहुंचते कुछ समय लगेगा, करेक्ट. लेकिन इट इज नॉट वेरी डिफरेंट देन चाइना और यूएस. मतलब इन चीजों में डिजिटल इकोनॉमी में थोड़ा समय लगता है बिकॉज द इनिशियल जो फेज है, जेस्टेशन पीरियड, काफी लंबा है, करेक्ट. बट ये भी मैं बात जो आप अल्यूड कर रहे थे इससे सहमत हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो शायद ना पहुंच पाए, चाहे वो यूनिकॉर्न भी बन गई हो तो हो सकता है कि वो वहां तक एंड गेम तक ना पहुंचे. हाँ, मतलब काफी कंपनी आईपीओ में भी आती है, वो भी बोलती है यार क्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, हम देख लेंगे क्या होगा. एग्जैक्टली, है ना. तो वो अगर आपके बिजनेस मॉडल में फंडामेंटली कुछ खोट है तो हाँ, वो ओवरकम करना थोड़ा कठिन है. ओके. लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया में इनफ डिजिटल स्टार्टअप्स होंगे जो इनफैक्ट डिजिटल का कोर प्रेमिस ही यही है. हाँ, राइट. अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज देखें जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओरेकल हो गया, ये मतलब 90-95-98% ग्रोस मार्जिन पर. हां, तो इजी टू मेक प्रॉफिट्स, इजी टू मेक प्रॉफिट. हां, हाउएवर कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको पहले दिन से ही यूनिट इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना होगा. ऑफ कोर्स वीसीज को एज हार्डकोर कैपिटलिस्ट देखा जाता है, बट अगर आपका ट्विटर और लिंक्डइन का वो ऊपर वाला पिक्चर देखें तो उसमें आपने लिखा है कि लिव एज इफ यू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू लिव फॉरएवर. तो ये क्या कोई थोड़ा स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल है या वीसीज का तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता कि वो इस साइड में भी इंटरेस्ट रखे. एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि आपने सवाल पूछा. ये महात्मा गांधी जी का कोट है जो मैंने बचपन में देखा था साबरमती आश्रम में अहमदाबाद के बगल में. और एक तरह से वीसी की जर्नी एक्चुअली काफी स्पिरिचुअल होती है, ऑल्दो माना जाता है कि काफी कैपिटलिस्टिक और ब्रूटली कैपिटलिस्टिक डार्क साइड माना जाता है. लेकिन काफी एंड इनफैक्ट अगर हमारे बोर्ड रूम में जहां हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बैंगलोर में, आप देखेंगे तो कोट भी एक है वहां पे गीता का. हाँ. जो कि हमारे बोर्ड रूम में है जहां सारी मीटिंग्स होती है, यू नो, फाउंडर्स के साथ, नए इन्वेस्टर्स के साथ. क्योंकि वेंचर कैपिटल एक बहुत लंबा गेम है, राइट. इसमें कोई ये महीने दो महीने, क्वार्टर दो क्वार्टर, डे ट्रेडिंग टाइप का गेम नहीं है. इसमें आप जो बिल्ड कर रहे हैं वो कई बार अच्छी कंपनीज को बनने में 10-12-15 साल भी लग सकते हैं, स्पेशली अगर आप अर्ली स्टेज से शुरू कर रहे हैं. तो वो जो कोट है वो तो थोड़ा मेरे पर्सनल निजी मामले का है क्योंकि मैं गांधी जी में काफी मानता था. और ये भी मैं जानता हूँ कि वेंचर कैपिटल में आपको रोज कुछ नया सीखना होगा, राइट. जब आपने हमें रीच आउट किया कि ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है तो आप कौन है, स्टार्टअप ज्ञान किस तरह का शो है, किस तरह की ऑडियंस है, तो लर्निंग इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर मेरे ख्याल से हर प्रोफेशन के लिए, नॉट जस्ट वेंचर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, सर्टनली वीसीज. एंड यू नो, लिव एवरी डे एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुमारो. I mean, I think it speaks for itself. कि यार किसी को पता नहीं कौन कब तक रहेगा. तो it is not really just a spiritual thing, but I do think it is a combination of spirituality and investment. और जैसे कि ये VC वाला सेक्टर है, ये काफी लोग बोलते हैं काफी सेक्सी सेक्टर है, इन द सेंस कि आप डिसाइड कर रहे हो कौन से स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे, आप उनको पार्टनर कर रहे हो, सही स्टार्टअप्स में बैठ लिया तो आप अच्छा खासा रिटर्न भी कमाते हो. तो ये VC तो अभी आप आई थिंक 8-10 ईयर्स हुआ है उस पर फोकस किया है, इससे पहले आप क्या करते थे एंड हाउ डिड यू एंटर दिस VC वर्ल्ड? हाँ जी, तो अच्छा सवाल है. तो मैं यहाँ पे मतलब थोड़ी लंबी कहानी बताता हूँ आपको. बिल्कुल. मैं यहाँ पे मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट IIT BHU से किया था, बनारस से, कंप्यूटर साइंस में. और उसके बाद मैं US गया करीब 14 साल के लिए, मोस्टली वहाँ सिलिकन वैली में था. तो जो सिलिकन वैली का एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका मिला.
तो मैं स्टार्टअप में नहीं करता था वहां पे काम, मगर IBM रिसर्च में काम करता था जहाँ की एकदम वर्ल्ड की कटिंग एज लीडिंग एज रिसर्च पे काम होता था। तो वहां से मैं प्रोडक्ट मैनेजर बना गूगल में आके, एंड गूगल इंडिया का प्रोडक्ट हेड था मैं 2007 से 2010 के करीब। फिर एक कंपनी थी जिसमें मेक माई ट्रिप वहां पे गया, वहां पे मैं प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी हेड करता था। यू नो हमारी किस्मत अच्छी थी, हमने IPO किया NASDAQ में 2010 में, तो उस कंपनी का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू पोर्शन भी मैं संभालता था। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि मैं VC बनने की कोई मेरी उम्मीद नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्टार्टअप्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, इनोवेशन में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैं VC एक तरह से आप मानिए एक्सीडेंटली बन गया। तो मेक माई ट्रिप छोड़ने के बाद मैंने एक साल छुट्टी ली, सबैटिकल जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, और मैं एक साल पूरा एक साल ओके। और मेरा ये मानना है कि हर 10 साल में एक साल छुट्टी लेनी चाहिए, जब 65 के बाद रिटायर हो जाओगे तो क्या फायदा मतलब। और उस छुट्टी में मैं 4 हफ्ते चाइना गया, मैं यहाँ पे बतेरी स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा था, नो एंजल इन्वेस्टिंग, नो एडवाइजरी शेयर, नो स्वेट इक्विटी, जस्ट प्रो बोनो फॉर फ्री, मोर एज अ पेड फॉरवर्ड। तो बात से पता चला कि लोगों को पता चला कि भाई ये कोई अमित सोवानी है, यहाँ पे फ्री एडवाइस मिल रही है, क्योंकि आपके शो का नाम है स्टार्टअप ज्ञान, फ्री ज्ञान। तो वहां से फिर और VCs रीच आउट करने लगे कि भाई आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट मेक माई ट्रिप के बाद। तो VC बनना वॉज नॉट अ कोई प्लान था जिंदगी का कि यार बचपन से जब मैं पैदा हुआ तो मुझे विराट कोहली की तरह क्रिकेटर बनना था, वैसे नहीं था। इट इज ट्रूली सेरेंडिपिटी एंड ट्रूली एक्सीडेंटल, मतलब चांस की बात है। बट इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, जो आपने पहले महात्मा गांधी जी का वो सवाल पूछा, लर्निंग, दैट क्वेश्चन वॉज ऑलवेज वेरी वेरी हाई। सो दैट इज मतलब उस तरीके से मैं VC में आया। ओके, एंड अगेन आपने बोला कि आप US गए, वहाँ 14 ईयर्स काम किया, सिलिकॉन वैली में रहते थे, तो ऑफकोर्स जॉब अच्छी होगी, सैलरी अच्छा होगा, सब कुछ सेट होगा, तो वहाँ पे कैसे डिसीजन लिया कि वापस इंडिया आना है? यहाँ पे तो सब मौका ढूंढ रहे हैं US जाने का, तो आपको ऐसा क्या लगा कि यार इंडिया में क्या उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? और उसके बाद अभी जब से आप आए हैं आपको क्या लग रहा है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था इंडिया में वो उस हिसाब से डिलीवर कर रहा है या अभी और हाई एक्सपेक्टेशन है? तो सही माने में अर्नब इसकी कोई फैंसी कहानी नहीं है, हम कुछ फैमिली रीजंस की वजह से इंडिया आना पड़ा, लेकिन ये सोच के आए थे कि 2 साल रहेंगे इंडिया। ओके, गूगल में था तो मैंने कहा गूगल में है, पूरी ग्लोबल कंपनी है, तो 2 साल रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे अमेरिका। लेकिन उस समय एक इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, 2007 की बात है, तो दिस इज यू नो प्री फ्लिपकार्ट एरा, प्री पेटीएम, प्री यू नो वेल मेक माई ट्रिप तो था काफी सालों से, बट मोस्टली US मार्केट को सर्व करता था एक्सेट्रा। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया में अभी नींव बन रही है, फाउंडेशन बन रही है, ग्राउंड फ्लोर भी नहीं है, बेसमेंट बन रहा है अभी। तो उस समय आने के बाद एहसास हुआ है, वहां से लौटने के लिए नहीं लौटे तो फैमिली रीजंस की वजह से थे, आने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि ये बहुत लंबी बिल्डिंग बनेगी और अभी हम मतलब लिटरली बेसमेंट -2 में है। अच्छा, लेकिन यू नो काफी साल लगे बेसमेंट -2 से -1 से ग्राउंड पे आने के लिए। तो उस तरह से हम लोग आए और उस तरह से हम लोग यहाँ रहे। मुझे अच्छे से याद है जब हम गूगल में थे, जब हमारी पहली बार $100 मिलियन की रेवेन्यू हुई थी गूगल में, इंडिया की, खाली इंडिया बिजनेस की, गूगल ऑलरेडी बड़ी कंपनी थी, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। हम लोग वहाँ गए, जब यू नो 10 मिलियन इंटरनेट यूजर हुए तो हमने बड़ा सेलिब्रेट किया, राइट। जब हम रिव्यू करते थे लैरी और सर्गे के साथ, जो गूगल के फाउंडर्स थे, वो बोलते थे जब 100 मिलियन इंटरनेट यूजर होंगे इंडिया में तब आना, अभी तो सब ठीक है, जो कर रहे हो आप लोग ठीक है। तो वहां से अब मैं अगर देखूं 15 साल बाद, तो दिन और रात का फर्क पड़ गया है। Okay. मतलब इतनी चीजें हुई हैं कि जो मेरे ख्याल से इस शो में पूरी कवर नहीं हो पाएंगी, बट ऑब्वियसली इंटरनेट पेनेट्रेशन, पर कैपिटा, एंटरप्रेन्योरशिप राइज, मतलब कोई अनगिनत है एक तरह से कि जो चीजें हुई है। और अभी भी मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 साल इससे कहीं ज्यादा होंगे। अभी मतलब मेरी जो पुरानी वाली एनालॉजी अगर मैं यूज करूं कि भाई बेसमेंट -2 में से शुरू हुए थे, तो अब शायद 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी है। Okay. तो आराम से 100 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी यहाँ पे। इसमें भी ऑफ कोर्स हम ग्रो तो काफ़ी तेज़ कर रहे हैं, बट एक दूसरा एक्सपेक्टेशन भी होता है कि यार हम और तेज़ ग्रो कर सकते थे या करना चाहिए, इन द सेंस कि जैसे APJ अब्दुल कलाम बोलते थे कि यार 2020 में टारगेट होना चाहिए डेवलप्ड कंट्री बनने का। ऑफ कोर्स इंटरनेट पेनिट्रेशन वो सब बढ़ रहा है, बट स्टिल पर कैपिटा इनकम अभी भी चाइना के आई थिंक 1/3 या 1/4 टाइप से। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो एक्चुअल पोटेंशियल है हम टच नहीं कर पा रहे, या ये वक्त का खेल है, इवेंचुअली हम कर ही लेंगे? मेरे ख्याल से तो ये वक्त का खेल है, और मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाना भी उचित नहीं होगा, राइट। आई थिंक जब आप किसी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड पे ग्रो करते हो तो फंडामेंटल्स और बेसिक्स होते हैं वो हिल जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं तो वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, हमें इन्वेस्ट करना है, हम चाहते हैं हमारी कंपनी जल्दी से जल्दी ग्रो हो फटाफट, राइट, 10 मिलियन रेवेन्यू, 100 मिलियन रेवेन्यू, यूनिकॉर्न वगैरह बने। लेकिन
कुछ चीजों को बनने में समय लगता है, राइट, पर कैपिटा उनमें से एक है, बट अगर आप बाकी हर तरीके से देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया देखिए, इंडिया स्टैक देखिए, मेरे जो दो पार्टनर हैं यहाँ पे प्राइम में, उन्होंने 2 साल प्रो बोनो आधार में काम किया था टू लॉन्च आधार इन इंडिया विद नो सैलरी नो नथिंग वर्किंग देयर. अगर आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अभी मैं उडुपी में था इस वीकेंड, तो मैं बैंगलोर एम विद एम फ्लाई करके गया था, वहां से फिर ड्राइव करके हम लोग उडुपी गए थे. अमेजिंग, राइट. रोहित भट्ट करके एक एंटरप्रेनर है वहां पे, जो उन्होंने 99 गेम्स और रोबोसॉफ्ट को फाउंड किया था सन 1999, जो स्टीव जॉब्स से तब वहां वीकेंड पे जाके रहे थे, तो उन्होंने घुमाया हमें उडुपी में कि किस तरह की स्टार्टअप्स बन रही है उडुपी में. ओके. तो मेरा कहने का मतलब कुछ चीजों में समय लगता है, और सिलिकन वैली जहां पे हम लोग रहे थे, सिलिकन वैली को सिलिकन वैली बनने में 40-45 साल लगे, राइट. और अभी भी हर 10 साल में नया इनोवेशन होता है, राइट. मतलब चैट जीपीटी नहीं था, अब आ गया. 10 साल पहले फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम ये सब नहीं था, वो आ गया. उसके 10 साल पहले गूगल, याहू ये सब नहीं थे, वो आ गए. तो मेरे ख्याल से हम लोग ने शुरुआत काफी अच्छी की है. कैन इट बी फास्टर? या ऑफकोर्स, फॉर श्योर. बट जो एक जो रेट ऑफ पेस होनी चाहिए, आई थिंक उससे कहीं ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते. आई थिंक डिजिटल इकोनॉमी की रेट ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ काफी फास्ट हो सकती है. और मुझे लग रहा है 5 ट्रिलियन तो मतलब जस्ट इवन जस्ट उडुपी ट्रिप से कुछ समय पहले मैं झारखंड गया था, रूरल महाराष्ट्र में अमरावती गया था, तो जस्ट डेवलपमेंट वहां देख के तो लगता है कि इंडिया की तो बहुत लंबी खेल है यहाँ पे. अगेन यहाँ पे आपने झारखंड की भी बात करी, मैं एक ब्लॉग भी पढ़ रहा था कि बहुत अल्ट्रा पुअर फैमिलीज भी होती है ना, कि इनकम लेस देन $1 पर डे, तो 25,000 पर ईयर टाइप से. तो अभी जब हम देखते हैं कि सब बोलते हैं कि यार कि इंडिया में यूज़र्स बहुत हैं, बट एक्चुअल जो पेइंग कैपेसिटी है मे बी 10-20-30 मैक्सिमम 40-50 मिलियन यूज़र्स हैं. बट क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं कि जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं वो भी ऊपर आ सकते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स, नॉट गवर्नमेंट. ऑफकोर्स गवर्नमेंट तो अलग है, क्योंकि इन लोगों की पेइंग कैपेसिटी तो नहीं है, बट क्या ऐसे मॉडल्स बन सकते हैं कि ये लोग भी ऊपर आ पाए? हाँ, तो मैं आपको 2014 की एक बात बताता हूँ. जब मैं चाइना गया था 4 हफ्ते के लिए मेरे 1 साल के सेबेटिकल में, तो मैंने यही सवाल वहाँ लोगों से पूछा कि यार चाइना में भी गरीब लोग होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सब अमीर हैं. हाँ. तो उन लोगों, और वो सारे डिजिटल पे थे, तो चाइना में इंटरनेट पेनेट्रेशन यू नो 2005 से ऑलमोस्ट 50-60-70% हो चुका था. तो क्या होता है कि इनिशियली इवन अगर आपकी पर कैपिटा इनकम हाई नहीं है, तो आपको इंफॉर्मेशन, कॉन्टेंट, न्यूज, एंटरटेनमेंट, गेम्स, शोज, इन सब चीजों में आपको बड़ी दिलचस्पी होती है. और ऐसा नहीं कि आप कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब आटा, दाल, साबुन ये तो आप कर ही रहे हैं. बिल्कुल. अल्ट्रा पूर वाली अलग बात है. हाँ. आपने मेरा ब्लॉग पढ़ा था या किसी और का? हाँ. वो एक मोर एज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ वहां पे, उसकी वजह से गया था. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रो करेंगे, और मतलब ये वहां पे भी ग्रोथ होगी दोनों, एक तो पर कैपिटा की जिसमें समय लगेगा, लेकिन जो उसका डिजिटल स्पेंड है वो कहीं ज्यादा फास्ट पेनेट्रेट हो जाता है. ओके. तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हमने कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे हमने एक क्रिकेट की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, हिट विकेट करके. ओके. क्रिकेट का स्ट्रेटेजी गेम है. जिसमें आप अपनी खुद की आईपीएल जैसी टीम बना सकते हैं. अच्छा. अपने फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ, और उनको ट्रेन कर सकते हैं, एक दूसरे से खिला सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. मैं अपनी की टीम में से कोई किसी को खरीद सकता हूँ, आप कोई ड्राफ्ट से खरीद सकते हैं, एक्सेट्रा. वहां पे रूरल इंडिया में लोग 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे. अच्छा. राइट. बिकॉज उन्हें एंटरटेनमेंट का माध्यम है, उन्हें एंगेजमेंट का माध्यम है, उन्हें कोई स्ट्रेटेजी में पार्टिसिपेट करने का माध्यम है. तो डिजिटल पेनिट्रेशन आपकी एग्जिस्टिंग पर कैपिटा में भी इंक्रीज होने लगेगा, वो चाइना से मुझे समझ में आया था. लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ होगी, जो रियल डिस्पोजेबल इनकम है, जब तक वो नहीं आएगी. हाँ. तो वो नहीं आएगी. राइट. अर्ली टीम कितनी स्ट्रांग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल होगा. तो पहली बार आपको को फाउंडर्स कैसे चूज करने चाहिए, और कितने टाइप के कितने को फाउंडर होने चाहिए, किन किन चीजों में होना चाहिए, या सोलो फाउंडर भी चल जाता है? तो मेरे हिसाब से कम आपके पास एक और को फाउंडर तो होना ही चाहिए. तो मतलब दो लोगों की टीम तो मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है. 2 से 3 मेरे ख्याल से सही है. अगर आपकी टीम अच्छी है, कॉम्प्लीमेंट्री है. इंडिया में कल्चर फिट का बहुत महत्व है. राइट. तो ऐसा नहीं है जैसे कि अरेंज मैरिज टाइप की, या कोई भी मिल गया, अच्छा वो फलाने आईआईएम से है, मैं इधर से हूँ. मैंने इस सेक्टर में काम किया, उन्होंने मार्केटिंग में किया, तो हम मिलके कुछ बनाते हैं. होते हैं वैसे कंपनीज भी, बट इंडिया में कल्चरली ट्रस्ट इतना महत्वपूर्ण चीज है कि भाई आप कुछ हिसाब से उनको जानते हो, या आपका वैल्यूज का कुछ मिलन है,
तो वो एक जरूरी है देखना। तो मतलब अरेन से ज्यादा लव टाइप का जो ज्यादा टाइम आपने स्पेंड किया। हां एग्जैक्टली राइट। तो एटलीस्ट सम लेवल ऑफ कि भाई हां मतलब मैं अर्णव को कॉलेज के दिनों से जानता हूं। हां या साथ में थोड़ा बहुत काम भी किया, हमने कुछ काम किया हुआ है, या मैं उनके परिवार को जानता हूं, या जब मैं दिल्ली जाता हूं तो उनके घर रहता हूं। करेक्ट। तो मुझे पता है कि भाई लाइक वैल्यू सिस्टम तो मैचिंग है। अब कंपनी बनेगी कि नहीं मतलब दैट इज सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम। दैट इज सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम। सेकंड इज एंड दिस इज द चैलेंज, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं तो क्या हम एक दूसरे को क्रिटिकल फीडबैक दे पाएंगे? हाँ, दोस्ती के नाम पे तो वो नहीं कर सकते। आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ। हाँ। आप भी प्रोडक्ट मैनेजर हो, मैं भी प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। हाँ। दोस्त है, कुछ भी देख लेंगे। हाँ। लेकिन वो अच्छी फाउंडिंग टीम नहीं होती। अच्छी फाउंडिंग टीम ये होती है जहाँ की कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ स्किल्स है कि यार उन्हें कुछ पता है जो आपको नहीं पता है, आपको जो पता है वो जो नहीं पता है, लेकिन वैल्यूज है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है। तो जब मैं आपको चैलेंज करूंगा कि नहीं ये पॉडकास्ट ऐसे नहीं बनना चाहिए या वीडियो कास्ट, तो आप सुनेंगे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, मतलब इस मतलब मुझे तो पता है मैं तो इतने सालों से बना रहा हूँ, रीजनिंग समझेंगे। तो वो कॉम्प्लीमेंटरी स्किल्स एंड एबिलिटी टू बी क्रिटिकल ऑफ ईच अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर उसके साथ काम भी करना है तो लड़ाई झगड़ा होकर दोबारा से आपको मिलकर आगे कंपनी भी बढ़ानी है। बिल्कुल। तो ये दो चीजें हैं, बट आई वुड डेफिनेटली से कि भाई सोलो फाउंडर जहां तक हो सके ना बने। इनफैक्ट इवन एज अ वीसी हम उसको थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, नॉट बिकॉज कि सोलो फाउंडर्स की अच्छी कंपनीज नहीं है, बतेरी है। बिल्कुल। मतलब आप लैरी एलिसन ले लीजिए, ओरेकल के मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इतनी कठिन जर्नी है, इतने सारा उसमें मेहनत लगती है कि दो से तीन भले। बिल्कुल वही, क्योंकि स्टार्टअप सक्सेसफुल होना ही इतना मुश्किल है, उसमें फिर सोलो में करना तो और ज्यादा मुश्किल है। 100% तो मेरे ख्याल से मल्टीपल को-फाउंडर्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल फीडबैक। बिकॉज आप स्टार्टअप एक तरह से स्टार्टअप, गोइंग बैक टू गांधी जी, उनकी किताब का नाम है राइट, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। It's a truth-seeking journey. Yeah. Even for venture capitalists, investing in a startup is a truth-seeking journey. Mm-hmm. Right? कि भई इसमें customer कहाँ है, business कहाँ है, profit pool कहाँ है, company कैसे बनेगी, team कैसे बनेगी। तो एक तरह से आप multiple experiments करके सत्य को ढूंढ रहे हैं। Correct. Right? Yeah. तो उसमें अगर आप एक नशे में चले गए कि नहीं नहीं सब कुछ सही है, हम तो funding भी raise हो चुकी है, अब सब कुछ तो हो जाएगा, एडवांटेज होता है, एक्सेस मिलता है, फिर रेफरल हो तो वो मिलता है। बट एक ये सोचता है कि यार जो टीयर टू टीयर थ्री टाउन में है वो कैसे वीसी को अप्रोच करेगा, क्योंकि उसके पास मे बी उतना एक्सेस नहीं हो, मे बी उतनी फैंसी डिग्रीज नहीं हो, तो फिर क्या राइट वे अप्रोच करने का? देखिए सबसे आसान तरीका, इनफैक्ट आपने मुझे कैसे अप्रोच किया इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, इसकी आपको कोई डीप इनसाइट निकालनी होगी जो आपको है और जो सामने वाले को चाहिए। हमें मतलब बहुत प्रेजेंट वो आती है, प्रेजेंटेशन इनपुट, मतलब कोई फाउंडर्स लिखते हैं, कभी बैंकर्स लिखते हैं, कभी कोई रेफरल आता है। हम यही सब ढूंढ रहे हैं कि भाई इसमें यूनिक कौन सा है, डिफरेंशिएटेड कौन सा है, 10x एडवांटेज किसका है, राइट? आई थिंक वर्थ योर टाइम किसका है? हाँ, वर्थ योर टाइम किसका है, और इसमें कौन सी ऐसी इनसाइट है जो हमें पता नहीं था कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, मतलब ये तो सोचा नहीं था कि ऐसे भी होता है। करेक्ट। राइट? तो पर लोग क्या करते हैं, उसी चीज को कॉपी पेस्ट करके 50 इन्वेस्टर को डाल देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ आपसे कि आपने मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके वो कोट देखा और ट्विटर पे भी जाके देखा। लोग उतना भी नहीं करते प्रेजेंटेशन डालने में। एंड इट इज नॉट कि आप मेरी ईगो को मसाज करिए, इट इज जस्ट कि भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्पेस के बारे में, एग्रीटेक के बारे में, या गेमिंग के बारे में, या B2B के बारे में। तो अगर आप थोड़ा सा भी उसको पर्सनलाइज कर लें कि भाई सामने, और अब तो सोशल मीडिया पे हर कोई काफी कुछ बोल रहा है, मतलब अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, प्राइम वेंचर्स के पे, तो हम काफी लिखते हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। खुल के बता रहे हैं। हाँ, आप उस फ्रेमवर्क में आप बता दीजिए ना। हाँ, मेहनत लगेगी, बिकॉज जो हम ढूंढ रहे हैं वर्सेस जो हमारे 50 और साथी गण है वीसी, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, वो शायद हो सकता है अलग हो थोड़ा। हाँ, लेकिन आप एक ही पिच को कॉपी पेस्ट करके बीसीसी ऑल सबको कर देंगे तो चांसेस है कि रिस्पॉन्स मिलने का कम चांसेस। आई वुड से आप इनसाइट्स पे फोकस कीजिए, थोड़ा पर्सनलाइजेशन पे फोकस कीजिए, और टीयर टू टीयर थ्री में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। यस, अगर आप टीयर वन में हैं, अगर आप बैंगलोर जैसे शहर में हैं जो कि स्टार्टअप कैपिटल है भारत का, तो थोड़ा एक्सेस शायद थोड़ा बेटर होगा। लेकिन टीयर टू टीयर थ्री में आपको अबिलिटी टू स्टैंड आउट कहीं बेहतर है, बिकॉज वहां पे उस तरह से कॉम्पिटिशन नहीं है। हाँ। टैलेंट के लिए कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। मैंने सुना है बहुत ही बतेरी स्टार्टअप गोवा में क्रिएट हो रही है। हाँ। इंदौर में क्रिएट हो रही है, जयपुर तो है ही काफी सालों से,
अहमदाबाद में अब नई इंटरेस्टिंग टेक स्टार्टअप्स हो रही है, तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं टीयर टू में टीयर थ्री में। अपने आप को निराश ना करें कि यार टीयर टू टीयर थ्री में तो कैसे होगा, फोकस ऑन द बेसिक्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ पर्सनलाइजेशन। मतलब एटलीस्ट मेरा मानना है कि मीटिंग तो आपको जरूर मिलेगी। ओके, एंड अगेन जैसे आपने बोला कि स्टार्टअप में चलो आपको ईसॉप्स मिल गए, वहाँ से आपने अच्छा कमाया, आप 3-4 साल जैसे एग्जिट कर लिए, जो वीसीज होते हैं वो कैसे कमाते हैं? ऑफकोर्स सैलरी तो होती होगी, बट क्या उनको भी इक्विटी मिलता है, या जो कंपनी उनका वीसी फर्म इन्वेस्ट करिए उसका एक परसेंटेज मिलता है, किस वे में कमाते हैं और वो किस लेवल पर कमाते हैं? क्योंकि फाउंडर्स का तो हमें पता होता है कि यार एग्जिट मिला, इसने 100 करोड़ कमाए, इसने 50 करोड़ कमाए, वीसी कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? हाँ, सो वीसी बेसिकली इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा अपसाइड होता है वो है कि अगर वो कंपनी जिसमें आपने शेयर्स खरीदे हैं वो कंपनी अगर ग्रो होगी और किसी दिन या तो आईपीओ होगी या एग्जिट होगी, किसी को बेचेगी, तब आपका वो रिटर्न मिलेगा। तो जब एग्जिट होती है इन कंपनीज के, तो वहां से एक आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है उसका, उसमें से आपको पूरे पार्टनर्स को और जो पूरी टीम है उसमें से आपको प्रॉफिट शेयर में से मिलता है। मोस्ट वीसी स्ट्रक्चर्स आर व्हाट इज कॉल्ड 20% प्रॉफिट शेयर। अच्छा, तो अगर आपका 50 मिलियन का फंड है और आपने 200 मिलियन रिटर्न किया, मतलब प्रिंसिपल को मिला के, तो जो 150 मिलियन का प्रॉफिट है उस पे आपको प्रॉफिट शेयर मिलेगा 20% मिलेगा। हाँ, उस पे आपको 20% टिपिकली है। हाँ, मतलब रेंज होती है 15 भी हो सकता है, किसी का 25 भी हो सकता है, बट 20 इज द नॉमिनल थिंग। ओके, तो उसमें से आपको मिलेगा। तो मेरे एक पार्टनर है, उनकी एक अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा, कि वीसी इज अ गेट रिच स्लो स्कीम। अच्छा, स्टार्टअप में क्या, आप एक स्टार्टअप है या तो आर या पार, बिल्कुल, और 3-4 साल में पता चल जाएगा। हाँ, मतलब 3-4 में पता चले ना चले, बट हाँ एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा। वीसी में क्या है कि एक तो आपको लंबा गेम है, आपकी 10-15-20 स्टार्टअप होगी, इवन प्राइम जो कि काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रन करता है स्टार्टअप्स के मामले में भी, तो आपको 8-10 साल तक पता नहीं चलेगा कि भाई ओवरऑल वो फंड पूरा रिटर्न होगा, उसके बाद प्रॉफिट शेयर होगा, उसके बाद आपको कुछ उसका प्रॉफिट शेयर का कुछ पार्ट मिलेगा। लेकिन गेट रिच स्लो स्कीम डजंट मीन कि डोंट गेट रिच, बिकॉज आपकी अनलाइक एक कंपनी है कि यार चली या डूब गई, यहाँ रिस्क डिवाइडेड है, रिस्क थोड़ा डिवाइडेड है बट रिटर्न भी डिवाइडेड है। एक कंपनी अगर आप फाउंडर थे और यूनिकॉर्न बन गई तो आपके अगले दो पुश्तों को कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। इसमें वैसा नहीं है, बट रिटर्न्स है। वीसी इज अ कैपिटलिस्टिक गेम एंड इट इज नॉट जस्ट सैलरी, लाइक यू करेक्टली ऑब्जर्व, मोस्ट वीसीज हैव सम कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग विद एम्प्लॉइज एंड ऑफकोर्स जैसे जैसे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा वीसी में। बाय द वे, वीसी में सिर्फ पैसा लगाने की बात नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो लोग भूल जाते हैं, वीसी में हमारा पैसा नहीं है, मतलब हमारा भी कुछ है, मेजोरिटी ऑफ द पैसा हमारे इन्वेस्टर्स है, करेक्ट, जिससे हमें लेके उनमें लगाना है, लिमिटेड पार्टनर्स, लिमिटेड पार्टनर्स, थैंक यू, राइट। तो लिमिटेड पार्टनर्स को आपको जाके रेज करना है, तो अगर कोई नया आता है तो मतलब उनको आइडिया नहीं है कि 100 मिलियन का फंड कैसे उठाया जाएगा। तो एक वो भी मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 20-30% जॉब वो भी है कि पैसा कैसे लेके आए आपके फंड में, कोई आपको पैसा क्यों दे कि आप फिर जाके 10-15-20 स्टार्टअप में लगाए। और दूसरा जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कि इवेंचुअली कंपनी एग्जिट कैसे करेगी, करेक्ट, तभी आपका पैसा बनेगा, तभी पैसा बनेगा। आपने पैसा तो बतेरी जगह लगा दिया, राइट, मेरी मम्मी हमेशा कहती है ये सब लगाए जा रहे हो, पैसा आएगा कब वापस, राइट, बिकॉज एग्जिट कैसे होगा, चाहे वो आईपीओ हो, चाहे वो एमएनए हो, मर्जर्स एक्विजिशंस हो, किसी ने खरीदा हो। तो वीसी इज नॉट जस्ट कि यार आप पैसे पे बैठे हो और आपको पैसे बांटना, आपको पैसा रेज करना आना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो के लिए पैसा रेज करना आना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो को एग्जिट सही से किसको कितना डिप्लॉय करना है वो डिप्लॉय करना है वो आना चाहिए। तो मोस्ट पीपल थिंक कि यार पैसा है और देना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी कर लेंगे। तो इसका मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स आप भी इन्वेस्टर से पैसे रेस करें तो आप पे भी सम काइंड ऑफ प्रेशर होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टार्टअप पे प्रेशर होता है, वीसीज पे भी प्रेशर, 100% प्रेशर भी होता है, रिजेक्शन भी होता है। ऐसे कई इन्वेस्टर्स है, हम होम ग्रोन वीसी फर्म है इंडिया में, भारत में, ऐसे कई इन्वेस्टर है जिनसे हम 8 बार मिले हैं 8 साल में, 8 बार रिजेक्ट किया है। मतलब जो हमारे 10-20-50 इन्वेस्टर हैं उसमें से कम 500 हैं जिनसे रिजेक्शन हुआ है, कईयों से कई सालों तक रिजेक्शन हुआ है। ओके, तो आपने भी वो जर्नी देखी है। हमने भी जर्नी और हर साल देखते हैं, या हर फंड में देखते हैं, हर साल तो नहीं, बट जब जब नया फंड उठाते हैं वो भी एक काफी हम्बलिंग एक्सरसाइज है, फंड रेजिंग, डिप्लॉइंग। और ऑब्वियसली जब इन्वेस्टर आप में पैसा डाल रहे हैं तो वो तो कोई चंदे में या चैरिटी में तो डाल नहीं रहे हैं, बोले भाई क्या रिटर्न है, वो कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, उसकी रेवेन्यू क्या थी, अब क्या हो गई, और कंपनीज की क्या हो गई, इसका तो सोचा था हमने इतना हो जाएगा, इसका तो अभी इतना भी नहीं हुआ, इसका तो सोचा था सीरीज बी हो जाएगा, अभी तो ए भी नहीं हुआ। तो आपको दूसरे स्टार्टअप्स के जिनको आपने फंड किया उसके लिए आपको जवाब भी देना है 100% एवरी ईयर, इनकम केसेस एवरी क्वार्टर। ओके, तो मतलब इट इज
यू नो अदर पीपल्स मनी है ना, किसी और का पैसा लेके मैं निवेश कर रहा हूँ तो मुझे उनको तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। तो मेरे दो कस्टमर है, एक तो एंटरप्रेनर करेक्ट जिनपे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरे मेरे जो एलपीज या मेरे इन्वेस्टर जिन्होंने हमें पैसा दिया है जिसकी वजह से हम एंटरप्रेनर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप तो गलती से वीसी बन गए, बट अभी ये वीसी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे वेंचर फर्म हैं, तो अगर किसी को अगर वीसी बनना है या वीसी फर्म में काम करना है तो यूजुअली उनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें हेल्प करेगा वीसी फर्म में काम करने के लिए? इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हम वीसी का नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक होता है इनक्रेडिबल इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, अगेन बैक टू द लर्निंग वेयर वी स्टार्टेड, कि भाई अलग अलग एरिया है तो उसको समझने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। बिकॉज वीसी तो है नहीं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और रिएक्ट और जेएस में मैं फ्रंट एंड बनाता हूँ एचटीएमएल में तो बस हो गया। अभी मैं एग्रीटेक की स्टार्टअप देख रहा हूँ, फिर फेमटेक में देख रहा हूँ, फिर मैं कुछ यू नो क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स में देख रहा हूँ, फिर मैं सैस सेलिंग इन टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा हूँ। तो अबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, क्यूरियोसिटी, लर्निंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सेकेंड यह है कि लोगों से बात करने की क्षमता होनी चाहिए, बिकॉज चाहे आपको जितना भी लगे, आपने पहले कहा था कि अरे वीसी तो बड़ा ड्रीम जॉब है, आप एकदम वहाँ बैठे हैं आइवरी टावर में, आप मानेंगे नहीं कि वीसी में हम बैठे हैं, हमारा अच्छा फंड है, अभी लेटेस्ट फंड $120 मिलियन का है, करीब यू नो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का, तो भी एवरी डे हम फाइट कर रहे हैं ढूंढने के लिए कि अच्छी स्टार्टअप्स कहाँ हैं, कौन अच्छे फाउंडर्स हैं, कौन से अच्छे आइडियाज हैं, कौन से अच्छे यू नो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, जो भी है, तो वहां से भी मतलब दिलचस्पी है हमें कि ढूंढने के लिए। तो जो भी वीसी में काम करना चाहता है उसको दरवाजे खोलने की क्षमता होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते यार मैंने तो अर्नब को लिखा उसका जवाब ही नहीं आया, तो मतलब यू हैव टू से कि भाई कैसे इसको ढूंढें और उसको कैसे कन्विंस करें कि यार हमसे बात तो करो आप, ठीक है आपको फंडिंग नहीं देना है या हमारे को आपके पॉडकास्ट में नहीं आना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे बात करना चाहते हैं। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से लर्निंग क्वोशेंट, यू नो एनालिटिकल थिंकिंग वो एक हो गया, नेटवर्किंग, अबिलिटी टू फाइंड इंटरेस्टिंग आइडियाज एक ये हो गया, और काफी इवन तो इतने लोगों से मिल रहे हो, काफी लोनली जॉब है एक तरह से, मतलब उल्टा लगेगा आपको, नॉन इंट्यूटिव लगेगा बिल्कुल, क्योंकि लोगों से बतेरे मिल रहे हो लेकिन आपको काफी मतलब काम तरीके से सोचना होता है। आई थिंक इमोशनल कनेक्ट उतने नहीं बन रहे। हाँ, इमोशनल कनेक्ट उतना नहीं बन रहा है, वो एक बार आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत बन जाता है। हाँ। लेकिन जब आप सोच रहे हो किसमें डालना है तो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग एंड बीइंग हैविंग अ सो कॉल्ड प्रिपेयर्ड माइंड, मतलब आपको मेंटल मॉडल्स आपको काफी स्ट्रांग रखने होंगे, लॉजिकल वे में सोचना होगा, इमोशनल वे होगा कि अरे यार ये तो बहुत सही है तो अभी बस। तो जब कोई लोग नए वीसी बनते हैं सबसे पहले मैं उनको कहता हूँ 6 महीने तक आप एक भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ओके, बिकॉज हर कंपनी जो आप मिलोगे तीसरी कंपनी आपको लगेगा इसमें तो आज के आज आप $1 मिलियन का चेक लिख दो, और जब वो 300 कंपनी देख लेते हैं तब मैं जाके बोलता हूँ अच्छा वो कंपनी नंबर 3 के बारे में दोबारा बताओ, 9 के बारे में बताओ, 18 एंडरले का उससे तो मैं बात भी नहीं करूंगा दोबारा। और काफी लंबा गेम है, अगर वीसी में आना है तो आप ये ना सोच के आए कि यार 4 साल स्टार्टअप में करेंगे, कुछ स्टॉक ऑप्शन वगैरह बनेंगे फिर निकल लेंगे, बिल्कुल वीसी 10 से 15 साल का मिनिमम गेम है, ओके, बिकॉज उतना समय लगता है आपको अंडरस्टैंड करने में सीखने में, तो लंबे गेम के बारे में सोचिएगा अगर आपको वीसी में आना। एंड ऑफकोर्स आपकी इतनी बड़ी जर्नी है, इसमें आपका लोएस्ट पॉइंट क्या था, उसको आपने फिर ओवरकम कैसे किया? लो पॉइंट्स तो आते रहते हैं, पिछला एंटायर वीकेंड जब सिलिकॉन वैली बैंक का जो तमाशा मच रहा था बिल्कुल, तो हर एक घंटे में हम लोग हर एक घंटे भी क्या मैं तो कहूंगा हर 10 मिनट में देख रहे थे किस कंपनी के कितने पैसे हैं सिलिकॉन वैली बैंक में। और आपके तो कंपनी हमारी बहुत कंपनी है पोर्टफोलियो, किसी के 10, 20, 50 मिलियन डॉलर, ओके ओके, और कोई कोई कंपनी जिसके 2.5 मिलियन ही है लेकिन उसकी फंडिंग ही 2.5 मिलियन की थी, तो अगर पूरा पैसा उठ गया तो खत्म हो गई कंपनी, फाउंडर भी काफी उसमें है कठिनाई में, हम भी है और हमारे तो इतनी सारी पोर्टफोलियो कंपनी है, तो ये तो मैं आपको 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो लो पॉइंट्स जब कोविड हुआ था तब ये लगा था यार सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ बचेगा ही नहीं, और फिर एकदम यूफोरिया आया कि हर चीज की वैल्यूएशन डबल हो गई, हर कंपनी ने फंडिंग रेस कर ली तो लगा यार अब तो सब सही हो गया, कमबैक हो गया, फिर न्यूक्लियर विंटर आ गया वापस 2022 में, अब ये सिलिकॉन वैली बस्ट आ गया, अब कुछ उसका रिसरेक्शन आ रहा है, तो जो अप एंड डाउन की जर्नी है वो बिल्कुल हार्टबीट का हो जाता है, हार्टबीट का रहता है, वो चलते रहता है, इसीलिए इवन वीसीज के लिए फाउंडर्स के लिए प्रॉब्लम ज्यादा बिकॉज उनकी ज्यादा मेहनत लगती है, हैविंग दिस बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकसिंग ऑन द कोर इनपुट मेट्रिक्स आई कॉल इट, राइट, आउटपुट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, करेक्ट, राइट, बैक टू द गीता वाला कोट, राइट, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि भी आपको जो इनपुट करना है कि यार हमें क्या करना है इस समय हमारी कंपनी को बेहतर करने के लिए, या हमें क्या करना है हमारे फंड को बेटर करने के लिए, हमें क्या करना है हमारे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने के लिए, अब वही कंटिन्यूसली आपको रिलेंटलेसली करना पड़ता है, और उसके साथ कभी ऊपर होगा
या नीचे होगा तो कोई बात नहीं, आप मतलब उसको भी साथ में लेके चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो एंटरप्रेन्योरशिप सक्सीड होने ही वाला है एज अ कैटेगरी. ओके, इंडिविजुअल कंपनीज विल फेल एंड सक्सीड, राइट, बट एज अ कैटेगरी एंटरप्रेन्योरशिप विल बी ग्रेट. एंड मैं आपके लिसनर्स को ये भी प्रोत्साहन दूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आपने पहली कंपनी बनाई तो ही सक्सेस हो गए, या आपने पहला फंड बनाया तो ही सक्सेस हो गए. उसमें भी कई आइट्रेशन लगते हैं. जब हम शुरू हुए थे तो हमारा बहुत छोटा फंड था, 50 करोड़ का फंड था, एक फंड, आज 1000 करोड़ का है, राइट. बट मतलब वो टाइम लगता है उसमें. तो इट इज नॉट कि यार पहली बार में ही आप गए और आपने एक ओवर में 4 छक्के मारे. बिल्कुल, वो मतलब रेयर ही होता है. होता है कभी कभी, बट दैट इज द एक्सेप्शन, दैट इज नॉट द नॉर्मल बिहेवियर. ऑफ कोर्स आपने एक रिस्क लिया 2007 में इंडिया आके, एंड होपफुली वो सही टर्न किया. अभी ऐसे काफी यंगस्टर्स हैं 20-22 ईयर्स के, अंडर ग्रेजुएशन पास करते हैं, उनका एक सपना होता है कि यार हम बाहर जाएं, वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है या ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ज़्यादा पीस है, जो भी है. तो आपको क्या लगता है कि इनको इंडिया में रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, या इंडिया का फ्यूचर अगले 10-15 साल में क्या है? क्योंकि एट द मोस्ट आप 20-30 साल ही काम करते हो, तो अगर 50 साल बाद भी देश बना, अगर आपके टाइम में नहीं बना, तो डजंट मेक सेंस कि आप बोलोगे कि यार फिर मैं बाहर एंजॉय कर लेता हूँ, बन गया तो आ जाऊँगा. बट आपको क्या लगता है कि अगले 10-15 साल में कैसा रहेगा? देखिए, अभी जो ट्रेंड हम लोग ट्रैक करते हैं, जो इंडिया से जो बाहर जा रहे थे स्टूडेंट्स, वो परसेंटेज ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है. ओके, ऑलरेडी. अच्छा, द लास्ट 2-3 इयर्स द नंबर ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ पीपल दैट वर गोइंग आउट, आई डोंट हैव द नंबर हैंडी, एकदम से टॉप ऑफ माइंड नहीं है, बट 10-15-20% कम हो गया है. वो पैंडेमिक की वजह से? नो, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज कहीं ज्यादा है. ओके, आज की उम्र में अगर मैं 21 साल का लड़का होता तो मैं इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ढूंढता, चाहे वो स्टार्टअप ज्वाइन करने की, चाहे वो कोई किसी और कंपनी में, चाहे खुद की कंपनी शुरू करने की. बिकॉज जिस मार्केट में आप रहोगे वहां आपकी इनसाइट्स मिलेगी, एक्सेट्रा. तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑन लर्निंग, करियर ग्रोथ, तो इंडिया में जो आपको मिलेगा वो नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आपको एकेडमिक्स परसू करना है, आपको पीएचडी करनी है कंप्यूटर साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या बायोमैकेनिक्स में या क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो ऑब्वियसली इंडिया में ऑप्शंस हैं बट थोड़े मोर लिमिटेड हैं. ओके, अगर आपको एकदम कटिंग एज में काम करना है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, या आपको यू नो फाइनेंशियल सर्विसेज की दुनिया में, तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं है. बट आई वुड स्ट्रांगली कॉशन पीपल कि भाई अगर आपको इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी पसंद है, आपको यहाँ की लाइफस्टाइल पसंद है, तो अभी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन नॉट टू गो अब्रॉड. Unlike my time in the 90s, when we went abroad, because there were not that many. I could have gone to work in TCS or Infosys, which probably also I would have done okay. Correct. But I would not be investing in AI startups and you know agri-tech companies and so on and so forth. So I would say opportunities काफी हैं. आपका motivation क्या है उस हिसाब से आपको देखना होगा. And obviously those markets are much ahead. तो US में Silicon Valley की जो vibe है, वो मतलब बैंगलोर तो क्या आप समझिए, बीजिंग से भी कहीं आगे है. 5-10 साल वो आगे ही चल रहे हैं. 5-10 साल आगे चल रहे हैं. तो अगर आपको डीप टेक में काम करना है, तो आई थिंक कुछ पॉकेट्स है जहां उसका सिग्निफिकेंट होगा. लेकिन अगर आपको कंपनी बनानी है, धंधा बनाना है, बिजनेस बनाना है, सीखना है बिजनेस कैसे बनता है, तो जो रेट ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ इंडिया में है और जो लर्निंग आपकी यहाँ होगी 4-6 साल में, मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा होगी यहाँ पे ऑन दैट एलिमेंट, प्लस मार्केट अपॉर्चुनिटी विद मार्केट अपॉर्चुनिटी देन द प्योर. इफ यू वांट टू गो डीप टेक, डीप यू नो फाइनेंस, देन मे बी सम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में. ओके, एंड एक बस मैं पूछ रहा था कि जैसे कि हम क्रिएटर हैं, एंड आजकल ये क्रिएटर इकोनॉमी काफी फैंसी हो गया है, तो यहाँ पे आप चाहे YouTube क्रिएटर हो, Instagram क्रिएटर हो, या क्रिएटर इकोनॉमी स्टार्टअप्स हो, इनका क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या ये कर सकते हैं? कि अभी तो मोस्टली सिंगल एक दो बंदे ही चलाते हैं कि अच्छा एक बिजनेस बन पाए, नॉट नेसेसरी कि वीसी फंडेड ही बिजनेस बने, बट एक अच्छा बिजनेस बन पाए, लॉन्ग टर्म गेम हो पाए. मतलब अर्नब, इसमें कोई वो मतलब अलग बात नहीं है कंपेयर टू एनी अदर स्टार्टअप और बिजनेस दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट. कि भाई आपकी, इनफैक्ट आपके पॉडकास्ट के पहले भी मैं पूछ रहा था आपसे कि आपकी ऑडियंस क्या है, किसको सर्व कर रहे हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं, एक्सेट्रा. तो वही बात है कि आप ऐसी क्या चीज है जिस वैल्यू की जो आप उनको लेके आ रहे हैं ताकि लोग आपके पॉडकास्ट में आए या आपके वीडियो में आए कंपेयर टू किसी और के में जाने में. डिस्ट्रीब्यूशन अब मिल चुका है, बतेरे प्लेटफॉर्म्स हैं. अभी तो कुछ यू नो टिकटॉक वगैरह बैन हो गया था, बट मतलब और ये नए नए माध्यम आते रहेंगे. करेक्ट, चाहे वो शेयर चैट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, एक्सेट्रा. तो आई थिंक ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है फॉर यू टू बिल्ड योर ओन बिजनेस इन द वे यू वॉन्ट टू, डूइंग समथिंग दैट यू लव डूइंग. कि आपको मजा आता है करने में, आपको प्लेटफॉर्म है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन है,
पहले के जमाने में देखिए, अगर आपको यू नो आलू दाल चावल बेचना हो तो आप फिजिकली कितने रिटेल स्टोर में कहाँ चले जाएंगे आप बेचने के लिए। हाँ। आप लॉन्च करिए वीडियो, इंटरनेट पे 1,000, 2,000, 5,000 लोग आराम से सुन सकते हैं। तो आई थिंक क्रिएटर इकोनॉमी में पोटेंशियल काफी है, बोथ लाइक यू सेड एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर और अ स्मॉल ग्रुप। देयर इज आल्सो पोटेंशियल टू बिल्ड सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी टू हेल्प क्रिएटर्स। ओके, सो फॉर नाउ फॉर यू टू रन दिस पॉडकास्ट, आपको उसको कुछ एडिट करना होगा, कुछ ये करना होगा, ट्रांसक्राइब करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, चार प्लेटफॉर्म पे डालना होगा। तो आप अगर खुद क्रिएटर नहीं है लेकिन आप क्रिएटर्स की यू नो प्रॉब्लम समझते हैं, तो ऐसी बहुत कंपनीज है, हम लोग काफी ढूंढ रहे हैं ऐसी कंपनीज जो क्रिएटर इकोनॉमी को एनेबल करती है। करेक्ट, वो आर देमसेल्व्स नॉट क्रिएटर्स बट दे सेइंग आई विल बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रिएटर्स एंड दे विल लव इट। ओके, एंड दे विल यूज इट बिकॉज दे नीड टू, एंड इट माइट बी अ सास कंपनी पेइंग 500 रुपए महीने, 1,000 रुपए महीने, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप पे करोगे, बोलोगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। तो दोनों में मुझे पोटेंशियल लगता है। इसमें से लार्ज बड़ी कंपनीज बनेंगी कि नहीं, ये थोड़ा कहना कठिन है। ऑब्वियसली मीडिया एंटरटेनमेंट में तो बनेगी, ऑलरेडी कुछ हो चुकी है, एडटेक में कुछ बन चुकी है, राइट। बट मेरे हिसाब से और एरियाज में भी बनेगी बिकॉज एक तरह से मीडियम है, माध्यम है, सब डिस्कवर कर रहे हैं, तो इससे सब डिस्कवर कर रहे हैं। हाँ। और अब पूरा बिहेवियर इंटरनेट पे आ गया है, मोबाइल इंटरनेट पे आ गया है, मोबाइल इंटरनेट सबसे लोएस्ट पर गीगाबाइट कॉस्ट है पूरी दुनिया में, अफ्रीका को भी मिला के। हाँ। तो अब लोगों को एक्सेस है, तो हर बंदा कहीं भी आ रहा है जा रहा है, वो इंटरनेट पे देख रहा है, कुछ सुन रहा है। हाँ। तो रीच है, ऑडियंस है। क्वेश्चन इज कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे बिजनेस बन पाए, जिससे बिजनेस बन पाए, जो उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, वो वाली बात आपको सोचनी होगी। तो अमित, जैसे कि ऑफकोर्स जब ऐसा एंटरप्रेन्योर आपका काफ़ी टाइम स्टार्टअप बनाने में, उसको ग्रो करने में लगता है, बट जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको ऐसे क्या कुछ आप बुक सजेस्ट कर सकते हैं सो दैट उनको थोड़ा डीप इनसाइट या डीप नॉलेज स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में मिले? हाँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, आपने कठिन दुविधा में डाल दिया, कौन सी बताऊँगा, लेकिन 3-4 मैं नाम बताता हूँ जो टॉप ऑफ माइंड है। एक किताब है फाउंडर्स डिलेमास बाय नोअम वॉसरमैन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली में प्रोफेसर है। तो अगर आप सोच रहे हैं कंपनी शुरू करने के बारे में या आपने जस्ट शुरू किया है, तो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग बुक, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड, फाउंडर्स डिलेमास, राइट, दैट इज वन बुक। एक और किताब है जो कि इसका नाम है आपका फोर स्टेप्स टू एपिफनी। अच्छा। फोर स्टेप्स टू एपिफनी, इनके ऑथर है स्टीव ब्लैंक। ओके। ये किताब इस बारे में कि आप कस्टमर डिस्कवरी कैसे करें, कि यार यहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं, और कस्टमर से बात कैसे करें, तो मतलब थोड़ी कठिन किताब है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। इनके अलावा मैं ये रेकमेंड करूंगा कि मतलब किताबें बहुत सारी हैं, ऑफलाइन आप पूछिएगा, मैं आपको दे दूंगा, आप लिंक कर सकते हैं शो नोट्स में, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हैं। टू शेमलेसली प्लग प्राइम वेंचर्स, हम लोग एक पॉडकास्ट चलाते हैं जो कि कभी 130-140 एपिसोड, वी गेट द बेस्ट फाउंडर्स, नॉट जस्ट प्राइम वेंचर्स, एनीबडी, यू नो, फ्रॉम एथर का फाउंडर टू जीरोधा का फाउंडर टू व्हाटएवर, एंड वी टॉक टू देम अबाउट देयर जर्नी ऑफ बिल्डिंग अ स्टार्टअप। सो आई ऑलवेज बिलीव की लिसनिंग टू पीपल हु हैव डन इट, कि भाई जिन्होंने बनाई है कंपनीज, उनकी क्या कहानी रही है, चाहे वो बायोग्राफी के माने में मान लीजिए, चाहे वो पॉडकास्ट सुन लीजिए, चाहे वो ऑडियो बुक सुन लीजिए, वो भी एक अच्छा तरीका होगा। बट कोई कमी नहीं है किताबों की, एंड यू नो मैं अलग से आपको और 2-4 किताबें बता सकता हूँ, बट लिस्ट थोड़ी लंबी है। तो दोस्तों, ये था इंटरव्यू अमित सोमानी के साथ, काफ़ी हमको डीप इंसाइट्स मिले डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, एंड होपफुली आपको भी समझ आ गया होगा कि यार अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी इंटरव्यू पसंद आया तो यार अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना, आगे भी हम ऐसे जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स को लेके आएंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, एंड थैंक यू अमित, आपने हमें टाइम दिया इतना। थैंक यू।